नमस्कार। कमर दर्द ये एक ऐसी परेशानी है जिसे प्रायः सब लोग ज़िंदगी में कभी न कभी ज़रूर एक बार महसूस करते हैं। कभी कभी ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारी दैनिक दिनचर्या भी इसमें प्रभावित हो जाती है और कभी कभी तो हमारा जीना तक दुश्वार हो जाता है। आइए आज हम बात करते हैं इस कमर दर्द के बारे में। मैं डॉक्टर कुमार आशीष, कंसल्टेंट न्यूरो एंड स्पाइन सर्जन। कमर दर्द आमतौर पर उम्र दराज व्यक्तियों में ज़्यादा देखने को मिलता है, खास करके 40 के बाद। उसका सब प्रमुख कारण ये है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और उससे भी बढ़कर हड्डियों को जोड़ने वाले लिगामेंट्स और मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारे हड्डियों पर बोझ भी बढ़ जाता है। इसी वजह से जो हड्डियों में बदलाव होते हैं वो हमें कमर दर्द के रूप में महसूस करता है। जब ये बदलाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और नसों पर दबाव करता है तो वो दर्द पैरों में उतर जाता है, पैरों में कमज़ोरी कभी आ जाती है, झंझनाहट भी महसूस देती है। और जब इससे एक लेवल और बढ़ जाता है तो फिर हमारा चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है। हम जब खड़ा रहते हैं तो धीरे धीरे पैर पे पूरा भारीपन हो जाता है, जकड़न आ जाती है। चलते चलते ऐसा लगता है कि अब हम चल ही नहीं पाएंगे, पूरा पैर बिल्कुल भारी जैसा हो गया है, हमें मजबूरन बैठ के थोड़ा देर रेस्ट करना पड़ता है, फिर हम रुक रुक कर चलते हैं। तो इसका जैसा मैंने बताया प्रमुख कारण उम्र है, लेकिन केवल उम्र नहीं है, आजकल ये हमें कम उम्र के युवाओं में भी देखने को मिल रहा है। और उसका प्रमुख कारण है खान पान में कमी और हमारी जीवन शैली में बदलाव। जीवन शैली में बदलाव क्या है? धीरे धीरे हम आराम तलब होते जा रहे हैं, हमारा बैठने का काम है आजकल कंप्यूटर और गैजेट्स का काम है, मोबाइल का काम है, और सबसे बढ़कर हम आजकल गाड़ियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, खास करके दो पहिया वाहन का। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि हमारी स्पाइन जो है वो उस पर लोड बढ़ जाता है और धीरे धीरे जो है ये सारी परेशानियाँ बढ़ने लगती हैं। तो अब हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? देखिए, जब एक बार आपको दिक्कत शुरू हो गई है तो आपको तो अपने न्यूरो विशेषज्ञ से तुरंत मिलना ही पड़ेगा। स्पाइन विशेषज्ञ से मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो इसके कारण की जाँच करेंगे कि आपके लिए क्या कारण हो सकता है, उसको दूर करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो आपको भी करना है कि जो मैंने बताया उन सब कारणों में जो कारण है उसको आप जितना हटा सकते हैं आप उसको हटाएँ। खान पान को अपना संतुलित रखें, दूध, पौष्टिक चीज़ें, कैल्शियम वाली चीज़ें, वो सब चीज़ें शामिल करें। अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, पैदल चलना बंद ना करें। आप खास करके जब भी बैठ के कुछ काम आपका करना है, ऑफिस वर्क है, तो उसमें आप पॉस्चर का ध्यान रखें कि आप हमेशा अच्छा पॉस्चर रखें। कुछ भी गलत पॉस्चर से आपको कुछ करना पड़े तो उस चीज़ को आप अवॉइड करें। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लिए क्या है कि पॉस्चर ब्रेक ज़रूर लें। जब आपको लंबे समय के लिए कहीं बैठ के काम करना है तो कुछ आधे एक घंटे के बाद आप 5 मिनट उठ के थोड़ा सा टहल लें। ये तो ही खान पान और हमारे पॉस्चर की बात। लेकिन जब एक बार हमारा दर्द चालू हो जाता है तो हमारे जो न्यूरो विशेषज्ञ हैं वो हमें कुछ दिनों के लिए कुछ दवाइयाँ देंगे, कुछ परहेज बताएंगे और कुछ हमें फिजियोथेरेपी भी चालू करवाएंगे, एक्सरसाइज। वो फिजियोथेरेपी आप रेगुलरली करते रहें, उससे आपकी मांसपेशियाँ मजबूत हो जाएंगी तो ये दर्द का दोबारा वापस आने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। धन्यवाद।